गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत से लोग मुझसे मेल कर रहे हैं, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि सुगम मेरा वेट रुक गया है, मैं चाहे जो भी करूँ, ग्रीन कॉफ़ी लूँ, ग्रीन टी लूँ, कोई भी डाइटिंग करूँ, कितनी भी एक्सरसाइज करूँ, मैं अपना वेट लूज नहीं कर पा रही हूँ जितना मेरा डिज़ायर वेट है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही चीज़ लेके आई हूँ। ना मैं आज आप लोगों के लिए कोई होम ड्रिंक लेके आई हूँ, ना आप लोगों के लिए आज कोई डाइट लेके आई हूँ। आज मैं इतना अच्छा एक आप लोगों के लिए ड्राई फास्टिंग लेके आई हूँ कि अगर आप उसे देखो, इंटीमेट फास्टिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उसका मिला है कि आपका काफ़ी अच्छे से वेट गया है लोगों का। और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे शो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन उससे भी ऊपर जिन लोगों को उससे भी नहीं रिलीफ मिला है, आज मैं उन लोगों के लिए ये ड्राई फास्टिंग लेके आई हूँ। और ये ड्राई फास्टिंग क्या है, कैसे है, कितने दिन करना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, ये पूरा मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन कुछ डू एंड डोंट्स भी हैं, आपको क्या करना है इसके बीच में और क्या नहीं करना है, ये भी आपको पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको करने के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ, तो थोड़े कम समय में मैं आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। लेकिन फिर भी अगर वीडियो लंबा हो जाए तो वीडियो पूरा देखिएगा, देन उसके बाद ही आप ये फास्टिंग स्टार्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये ड्राई फास्टिंग ऐसी है कि आपको और इसे जो हमारे डाइटिशियन हैं या फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो लोग भी जिन लोगों ने भी इस पर रिसर्च किया है, वो ये बोलते हैं कि इसको दो दिन से ज़्यादा हमें नहीं करनी है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जितनी भी अभी आपने डाइटिंग की है या जो लोग डाइटिंग नहीं करते हैं या फिर जितने भी आपने ड्रिंक्स लिए हैं, इनको भी हमें बॉडी से निकालना है। यानी कि हमें अपना लीवर साफ करना है, हमें अपना पेट साफ करना है, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। जिनके अंदर बहुत गंदगी है वो बहुत ज़्यादा 3 दिन कर सकते हैं, 2 दिन के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप 2 दिन के ऊपर इसे करिए। तो सबसे पहली बात है कि अब आपको सारी चीज़ें रोक के अपनी बॉडी को एक रिलीफ देना है, फास्ट करना है। इंटीमेट फास्टिंग जो भी जिन लोगों को भी नहीं सूट करी है, जिनसे भी उनका वेट कम नहीं हुआ है, वो ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं। ड्राई फास्टिंग के रूल रेगुलेशन आगे मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि ड्राई फास्टिंग क्या होती है। देखिए, ड्राई फास्टिंग ये होती है कि 2 दिन तक, यानी कि जैसे मान लीजिए आज आपने यहाँ से आज से व्रत करना स्टार्ट किया, आज से उपवास करना स्टार्ट किया, आज से आपने फास्ट करना स्टार्ट किया, तो आप कल यानी कि अभी जितना भी बचा होगा उतने टाइम तक कल, देन उसके यानी 48 आवर्स तक आपको ना कुछ खाना है एंड ना ही पीना है अगर आपको कमजोर है। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो लोग भी ड्राई फास्टिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो संडे या सैटरडे का डे चूज करें, क्योंकि उस दिन आपको घर पे रहना है। और ध्यान रखिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टीवी देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपना माइंड इधर उधर करिए। 2 दिन आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, साथ ही साथ थोड़ा सा माइंड कन्वर्ट करिए, घूमने निकल जाइए, कहीं पे मूवी देखाइए, लेकिन आपको ना चाय पीनी है, ना पानी पीना है, ना ही आपको कुछ खाना है, सिर्फ 2 दिन। और यकीन मानिए, अगर ये 2 दिन आपने ऐसा कर लिया तो आप 5 किलो वजन आसानी से घटा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मेरा वेट 5 kg बढ़ गया है, लेकिन इसको करके ये 2 दिन मैंने जो आप लोगों से साथ वीडियो नहीं शेयर किया है, उसका रीज़न यही था कि मैं ड्राई फास्टिंग पे थी। और ड्राई फास्टिंग पे आप काम नहीं कर सकते हो, जैसे मैं काम नहीं कर सकती हूँ ड्राई फास्टिंग में। तो जो सैटरडे को मैंने आप लोग के साथ वीडियो पोस्ट कर दिया था, देन संडे और मंडे नहीं पोस्ट किया था, उसका रीज़न यही था कि मैं ड्राई फास्टिंग पे थी और मैंने बहुत ही इजी वे में अपना 5 kg वेट डाउन कर लिया है सिर्फ 2 दिन में। क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि मेरा वेट बढ़ता है तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आई नो, मुझे पता है कौन से ट्रिक्स
मुझे फॉलो करनी है और मेरा वेट 1 से 2 दिन में चला जाएगा। तो आप भी इसको करिए, लेकिन पूरा वीडियो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ डू एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन सीधा सा एक इसका जो रूल है वो ये है कि 2 दिन तक आपको ना सिर्फ खाना है और ना पीना है, और 2 दिन के बाद जब आप स्टार्ट करोगे, जैसे कि ड्राई फास्टिंग मेरी कल कंप्लीट हो गई थी दोपहर में, उसके बाद मैंने पहले तो थोड़ा सा सैलड लिया, सैलड खाया, देन उसके बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद मतलब फिर मैंने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स खाने के बाद फिर मैंने एक नारियल पानी पिया, यानी कि आधा जो दिन है मैंने इससे निकाला, क्योंकि जो लीवर मेरा क्लीन हुआ है, जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चा जब होता है छोटा तो हम उसे दूध देते हैं, दूध देने के बाद क्योंकि उसका लीवर कमज़ोर होता है, दूध देने के बाद हम उसे कुछ और हल्का खाना देते हैं, और हल्का कि बॉडी हमारी उसे डाइजेस्ट कर सके। सेम वही प्रोसेस हम अपने साथ अपनाते हैं कि 2 दिन के बाद जब हमारा लीवर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, बॉडी से पूरा वाटर निकल जाता है, जिन लोगों को भी वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी में स्वेलिंग होती है वो स्वेलिंग पूरी निकल जाती है, देन उसके बाद हम अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा खाना देना स्टार्ट करेंगे, और ऐसा खाना देना स्टार्ट करेंगे कि वो बहुत ही ईजी वे में हमारा लीवर है जो डाइजेशन कर ले, बॉडी पूरा अच्छे से खाने को पचा के बाहर निकाल दे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको ड्राई फास्टिंग के बाद भी जो खाने की चीज़ स्टार्ट करनी है वो बहुत ही ऐसी चीज़, आई नो सबको पता होगा कि डाइजेशन के लिए क्या बेस्ट अच्छा है, तो वो चीज़ आपको स्टार्ट करनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी डू एंड डोंट्स। देखिए, इसके बीच में कोशिश करके पानी मत पीजिए, बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ 2 दिन। और इन 2 दिनों में ये सोचिए कि 2 दिन बाद मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी से बहुत सारी गंदगी निकलने वाली है, मैं अपनी बॉडी को क्लीन कर रही हूँ इस समय। आपने देखा होगा कि जिनके घर में भी पेट्स हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी दूध छोड़ देते हैं पीना, तो हम लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों ये 2 दिन से दूध नहीं पी रहा, या हमारे घर में जो डॉग्स होते हैं हम बोलते हैं पता नहीं किसने समय खाना खाना क्यों छोड़ दिया। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी क्लीन कर रहे होते हैं, और हमें भी अपनी बॉडी क्लीन करने के लिए ज़रूरत होती है, और ये ड्राई फास्टिंग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जिनको ज़्यादा वेट कम करना है वो 3 दिन कर सकते हैं। देखिए, उपवास बोला जाता है हमारे जितने भी वेद पुराण हैं या फिर आयुर्वेदा में भी, हमें किसके लिए फोर्स किया जाता है, हमें उपवास रहने के लिए फोर्स किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि हम अपनी बॉडी क्लींस करें, हम अपनी बॉडी को साफ करें, हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से ना ही हम अनाज दे ना ही कुछ इस तरह से लिक्विड दे। और लिक्विड भी मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपको लिक्विड भी इसलिए नहीं पीना है क्योंकि वाटर रिटेंशन की वजह से भी बहुत सारा वेट हम गेन करते हुए हमेशा चलते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि पानी की वजह से हमारा वेट इतना बढ़ा हुआ है, तो पानी भी आपको इसमें कट डाउन करना है। साथ ही साथ इस को करने से पहले, यानी इस ड्राई फास्टिंग को करने से पहले 2 दिन आपको लिक्विड चीज़ें बहुत ही लेनी है, यानी बॉडी फुल तरह से हाइड्रेट रहनी है। मैंने एक रमजान वाला आप लोगों के साथ एक ड्रिंक शेयर किया हुआ था कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, तो वो ड्रिंक आप इस फास्टिंग में जरूर लीजिएगा, नारियल पानी जरूर लीजिएगा, दही का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जूस का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। यानी आप जिस दिन से भी ड्राई फास्टिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं उसके 2 दिन पहले से आपको पानी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को देना ही देना है, वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, फ्रूट्स के फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में आपको ये दे सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जब आपकी ड्राई फास्टिंग कंप्लीट होगी देन उसके बाद आप धीरे धीरे खाना स्टार्ट करोगे, कुछ ऐसी चीज़ लेना स्टार्ट करोगे जिससे आपका जो है वो डाइजेशन इम्प्रूव हो और हमारी बॉडी खाना बहुत अच्छे से पचा ले। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 दिन से ज़्यादा आप इस ड्राई फास्टिंग को नहीं करोगे। जिनको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है वो 2.5 से 3 दिन कर लें, वरना आप इस वीक 2 दिन कर लीजिए, नेक्स्ट वीक 2 दिन कर लीजिए महीने में, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी सिर्फ 4 दिन की ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं, और हो सके तो इससे पहले पानी, हो सके नहीं आपको पानी पीना ही पीना है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ड्राई फास्टिंग जब भी आपको करना है आपका पेट पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कब्ज हो या कुछ भी हो, क्योंकि वेट लॉस करने का सबसे पहला फंडा यही है कि पेट पूरी तरह से क्लीन हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका पेट पूरी तरह से क्लीन रहना चाहिए। यकीन मानिए, बॉडी से जितनी भी गंदगी है, बॉडी से जितनी स्वेलिंग है, बॉडी से जितनी भी बीमारियाँ हैं, अगर आपने ड्राई फास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में,
तो आपको कोई भी बीमारी नहीं रहने वाली, क्योंकि हम अपनी बॉडी को बीच बीच में साफ करते जा रहे हैं। जैसे हम घर साफ करते हैं, आपने देखा होगा हम होली दिवाली घर साफ करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि घर से गंदगी बाहर निकले, ना कि हम गंदगी और डालते रहते हैं। जो रेगुलर सफाई है या वीकली सफाई है वो तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो आई थिंक सबके घर में जो है साल में 2 से 3 बार होती है, और हमें भी वही डीप क्लीनिंग अपनी बॉडी की करनी है। जो लाइट वाली यानी वीकली वाली क्लीनिंग या फिर मंथली वाली क्लीनिंग तो हम करते ही रहते हैं, वो हम चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग से करें या फिर लाइट फूड खा के करें या फिर लिक्विड फॉर्म लेके करें, लेकिन डीप क्लीनिंग हमें कहीं ना कहीं अपनी बॉडी की करने की ज़रूरत पूरी तरह से है। और मैंने 2 दिन ड्राई फास्टिंग करके 5 kg वेट बहुत अच्छे से लॉस किया है, बहुत हेल्दियर वे में लॉस किया है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी लॉस करें। और ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप सुगम सनशाइन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं sugam.amit@gmail.com, और इस वीडियो के नीचे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।